Hey guys, what's up? Welcome back. और आज मेरे पास है पोको का X2. आई नो मैं बहुत लेट हूँ ये वीडियो बनाने में, लेकिन क्या करें, क्योंकि मैंने ये फ़ोन ख़रीदा नहीं है खुद से, मेरे एक फ्रेंड ने ख़रीदा था, तो मैंने उससे बोरो कर लिया कि चलो इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाते हैं. तो इसकी जो स्पेसिफिकेशन है ऑब्वियसली आप सबको पता ही होंगे ऑलरेडी, और जो कलर मेरे पास यहाँ पर है वो है मैट्रिक्स पर्पल. तो इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ. 6 GB और 64 GB इसका वेरियंट है. तो जल्दी से इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा किसी भी स्पेसिफिकेशन को पढ़ने में या फिर बताने में, क्योंकि मोस्टली मेरे को लगता है आपको ये पता ही होगा. तो ब्लैक येलो कलर का बॉक्स है. तो सबसे पहले ऊपर यहाँ पर इसका जो TPU केस और कुछ डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह है, इसको मैं साइड में रख देता हूँ. अब आते हैं सीधा हमारे फ़ोन की तरफ, तो जिसके लिए मुझे लगता है कि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ. और ये है मैट्रिक्स पर्पल कलर, और उसके ऊपर से ये जो स्टिकर है वो भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है इसके ऊपर. तो ग्लॉसी बैक डिज़ाइन है, काफ़ी फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, जैसा आप देख सकते हो. अभी मैंने खोला ये और इतने सारे फिंगरप्रिंट भी लग गए हैं. थोड़ा मिरर टाइप की फिनिशिंग है, और गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट है दोनों ही तरफ आगे पीछे. और इसके अलावा बॉक्स में आपको एक फास्ट चार्जर दिया गया है 27 वॉट का, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इसमें आपको एक फास्ट चार्जर भी दिया गया है. और उसके अलावा आपको यहाँ पर एक USB-C चार्जिंग केबल देखने को मिलती है. तो बॉक्स के कंटेंट इतने ही थे, अब सीधा हमारे फ़ोन की तरफ आ जाते हैं क्योंकि मैं एक्साइटेड हूँ फ़ोन को यूज़ करने में. तो फ़ोन कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलता है ऑलरेडी, मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन इस वीडियो का बनाने का पर्पज़ सिर्फ यही है कि इसमें आपको ये कलर दिखाना है. ये जो कलर आपको देखने को मिलता है पर्पल, मैट्रिक्स पर्पल, नाम भी पता नहीं क्या क्या रख देते हैं. और पोको नीचे इसकी ब्रांडिंग है. पीछे 4 कैमरास देखने को मिल रहे हैं. और जल्दी से एक बार जो फ़ोन है उसे ऑन कर देते हैं. और यहाँ पर बटन में ही, यानी कि जो पावर बटन है उसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है. और उसके अलावा जैसे आप देख सकते हो, जैसे स्क्रीन ऑन हुई यहाँ पर आपको फ्रंट में ड्यूल कैमराज दिए गए हैं 20+2 मेगापिक्सल का. और उसके बाद ये मुझे कुछ ऐप्स इंस्टॉल करने को बोला. नो जी, आई डोंट वॉन्ट ऑल दिस ऐप. ऑलमोस्ट यार जो सेटअप है वो कम्प्लीट हो गया, लेकिन डेफिनेटली यार यहाँ पर ये जो फ़ोन है ये कलर में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. पर्पल जो कलर है, मैट्रिक्स पर्पल, यहाँ पर इस लाइट में तो मेरे को लगता है कि जो जिस तरह से मुझे दिख रहा है उस तरह से आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर ये कलर है. ये ब्लू कलर से थोड़ा सा अलग है, ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा लग रहा है. तो ये हमारा फ़ोन है वो ऑन हो गया है. और डेफिनेटली यार 120Hz जो डिस्प्ले रहता है वो काफ़ी स्मूथ लगता है नॉर्मल जो 60Hz डिस्प्ले से. और फ़ोन अभी भी मैंने सेटअप किया और इसमें इतनी सारी ऐप्स, पता नहीं, जो मेरे को नहीं चाहिए वो भी यहाँ पर ऐड कर दी गई हैं. तो डेली हंट मैं इसको अनइंस्टॉल करूँगा यहाँ से. ये जो ऐप है ये जाएगी अनइंस्टॉल. कितने ब्लॉटवेयर्स हैं भाई इसमें, कितने सारे. और जबकि मैंने इसमें से इनको बोला भी नहीं, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हैं और अमेजोन की ऐप डाल रखी है. वाह जी वाह. एनीवेज, बट जैसा आप देख सकते हो ये जो फ़ोन है इसकी जो स्क्रीन दिख रही है आपको ये फुल HD स्क्रीन रहेगी 120Hz डिस्प्ले वाली, लेकिन ये एमुलेट डिस्प्ले नहीं है. तो एक यहाँ पर मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा ड्रॉबैक रहेगा इस फ़ोन के साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि 120Hz की जगह यहाँ पर 90Hz दे देते तो, और उसके साथ एमुलेट डिस्प्ले देते तो थोड़ा सा बेटर रहता एक्सपीरियंस वाइज, क्योंकि 120Hz और 90Hz में मैं इतना ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं है फ्रेंकली. तो मुझे लगता है कि जो 90Hz का डिस्प्ले रहता तो भी काफ़ी अच्छा रहता, और एमुलेट डिस्प्ले दे देते तो यहाँ पर ये जो फ़ोन है ये काफ़ी अच्छा हो जाता. बट इसमें जो प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है वो मिलता है स्नैपड्रैगन का 730G. और ये जो प्रोसेसर है यहाँ पर, मैं थोड़े दिन पहले पबजी अपने जो अपने चैनल पर टेस्ट किया था, पबजी की जो पूरी रिव्यू वगैरह अगर आपको देखना है तो वो वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो. और उसमें जो पबजी का जो गेम प्ले वगैरह था वो मैं बोलूँगा कि ठीक ठाक है. मैं गेमिंग प्रोसेसर के हिसाब से मैं इतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुआ, क्योंकि वो जो गेमिंग परफॉर्मेंस मिलती है आपको, आप जो मैक्सिमम सेटिंग्स रहेंगे, जो फ्रेम रेट्स रहेंगे वो अल्ट्रा तक रहेंगे, यानी कि 40 FPS तक ही आप खेल पाएंगे. तो 120Hz डिस्प्ले होने के बावजूद यहाँ पर आप 60 FPS तक भी गेम नहीं खेल पा रहे हैं अगर पबजी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट और होती तो बेटर रहता. बट अगर आप गेमिंग नहीं करते हैं तो ये जो फ़ोन है ये काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है. इसमें जो आपको कैमराज देखने को मिल रहे हैं 4-4, इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा है उसमें सोनी IMX I think 686 है शायद. और जो कैमरा की क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है. और उसके अलावा यहाँ पर वाइड एंगल, मैक्रो लेंस और बोके वाला कैमरा दिया गया है. तो सारे जो कैमराज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे हर तरह के, तो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है. लेकिन जो फिंगरप्रिंट्स हैं या मैग्नेट है एकदम, तो आप देख सकते हो. तो ये तो थी यार अनबॉक्सिंग पोको X2 मैट्रिक्स पर्पल कलर में. इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ, रुक जाओ एक मिनट. ये हुई ना बात. तो ये तो थी अनबॉक्सिंग पोको X2 पर्पल मैट्रिक्स कलर में. और आपको कैसा लगा ये फोन मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में. और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना. साथ में आपको हमारा चैनल पसंद आया, आप चाहते हैं मैं इस तरह की और वीडियोज लेके आऊँ, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो. तो मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं अमन आपको मिलूंगा अगली बार.